गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मम्मी आज जाने वाली है वापस से, तो अभी चलेंगे स्टेशन। बट ऑलमोस्ट यू नो एक घंटे से भी ज़्यादा, 1 hour 30 minutes लेट हो गई है ट्रेन। तो हम मतलब इसलिए घर पे ही रुके हुए हैं। पैकिंग वगैरह इज़ ऑलमोस्ट डन, कुछ ज़्यादा था ही नहीं। ये बैग था वो हो चुका है और हम लोग तब से वेट कर रहे हैं कि थोड़े देर में निकलेंगे। तो अभी का टाइम हो रहा है 18:17, निकल जाएंगे 6:40 पे। ट्रेन दिखा रहा है 8 बजे आएगा। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर में निकलते हैं और उन्हें छोड़ने चलते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज ये 4-5 दिन यूँ बीत गए, ऐसा लगा चुटकी बजाए और ख़त्म हो गया 4-5 दिन। मम्मी इधर आओ। मम्मी को भी मन नहीं कर रहा ऐसे जाने का। मम्मी भी कह रही थी कि मन नहीं कर रहा जाने का। पानी पी रही है मम्मी। 4-5 दिनों हम लोगों ने इतना अच्छा अच्छा खाना खाया है। चली जाओगी मम्मी, मत दो फिर आएंगे बेटा। अच्छा से जाना जी। ये देखो मम्मी। इनको एकदम बिना चश्मे का एकदम क्लियर नहीं दिखता था, वो चश्मे लगा रही हैं। तो थोड़ी देर में निकलेंगे गाइस, तो तब मिलते हैं फिर। ओला बुक कर लिया है हमने और बस 3 मिनट में आ रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे नीचे एंड सामान लेके चलते हैं। सो गाइज अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है और ना ही कोई अनाउंसमेंट हो रहा है। और जो एक ऐप है एग्जीगो, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। एकदम बेकार वाहियात ऐप पे पहले से बता रही है कि ट्रेन आ चुकी है जबकि आई नहीं है। एंड वेयर इज़ माई ट्रेन में बता रहा है कि अभी समय लगेगा। और मम्मी एकदम से बोर होते हुए, अभी अवध असम यहाँ पे थी वो चली गई। होप सो अगली ट्रेन हमारी होगी। एंड कितना अटेंशन दे यार इस लड़की को, थक गए। तो गाइस बस आने वाला है ट्रेन और रेडी है हम लोग, चले जाएंगे। जाने से पहले मम्मी ये बोलो कि मेरे बेटी के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करें और शेयर भी करें। Thank you.
मम्मी भाई कैसे? तो गाइस घर आ गए हैं मम्मा को छोड़ के, एंड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आज, बिल्कुल ही ये रूम एकदम सोना सोना सा लग रहा है, पता ही नहीं चला चार पांच दिन कैसे चले गए। मम्मा मंडे को आई थी और अब आज सैटरडे या चली गई, इतना जल्दी वक्त बीत गया, कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस लिटरली। इतना मतलब आई थॉट कि कुछ ऐसा लगा चुटकी बजाया और वक्त बीत गया, इतना कम समय के लिए आई थी मम्मा, बट जाना तो था ही और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। बट एक बहुत अच्छी एनर्जी, एक रिफ्रेशमेंट हो गई मेरी, यू नो पेरेंट्स से मिलके जो मोटिवेशन मिलती है ना तुमको कुछ भी आगे काम करने की, वो शायद ही कहीं और मिले, शायद ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुमको मोटिवेट कर सके, दे आर इंस्पिरेशन फॉर अस, सो रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यही कहना चाहूँगी। चाहे वो कुछ भी कहें, वो हमारे सही के लिए ही कहते हैं, इतना तो पता है मुझे। तो हाँ बस आज के लिए अभी इतना ही हुआ है, एंड अभी देखती हूँ आगे क्या करना है, मन नहीं लग रहा मेरा, मैं थोड़ी देर बस शांति से लेटना चाहती हूँ एंड जस्ट बस रिलैक्स होना चाहती हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल भी नहीं, आई एम लाइक मुझे बहुत रोना आ रहा है, एंड मम्मा चली गई यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ भी। एक तो इतना दूर है घर, यहाँ से मैं जाकर भी किसी भी छुट्टी में, लाइक एक हफ्ते की भी छुट्टी होती है तो भी मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड जब से मैं कोटा मतलब पढ़ने गई आफ्टर दैट, तब से मैं ऐसे घर से दूर ही रह रही हूँ, इट इज़ वेरी टफ यार। कि मतलब ऐसे दूर दूर रहना पड़ता है, इट इज़ वेरी वेरी टफ गाइस। ओके सॉरी, बट आई विल बी फाइन होपफुली, आई जस्ट होप जल्दी मिल पाऊँ। अभी दिवाली छुट्टी होगी बट मैं नहीं मिल पाऊँगी, समीता नगर चले जाएंगे, वहाँ से फिर इतना यहाँ से जाने आना बहुत दूर जाता है और लंबी छुट्टी अभी कुछ है नहीं, फिर नवंबर दिसंबर है एंड उसमें उसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम है फर्स्ट प्रोफेशनल, मे बी उसके बाद ही छुट्टी मिल पाएगी, तो मैं लंबी छुट्टी मिलेगी तब जा पाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी से ना मन नहीं करता कि मैं घर जाऊँ या फिर मिलूँ फैमिली से, बिकॉज बहुत आप अपने आप को संभाल के रखते हैं और अगर मिलकर फिर जब दूर जाना होता है तो ऐसा लगता है कि बिखर गए हैं, एंड ये फीलिंग बहुत अजीब होती है यार। लोगों को लगता है कि जब आप बाहर रहते हैं अकेले रहते हैं तो कितना फ्रीडम है, नहीं चाहिए ये सब फ्रीडम, वो जो डांट में मज़ा है ना वो कहाँ इस फ्रीडम में, वो जो घर के खाने में स्वाद है ना जो कि नॉर्मल होती है वो कहाँ है बाहर के एक्साइटिंग और एकदम डिलीशियस कहने जैसी फूड में, नहीं है यार। बहुत होमली फीलिंग जो होती है ना वो उसकी बात ही अलग है, बट ठीक है चीज़ें होती हैं ऐसी। मैं वहाँ पे इतना कंट्रोल की हूँ, कॉमेडी कर रही थी सो दैट मुझे रोना नहीं आया, एंड मैं अभी मुझे लाइक सीरियसली रोना आ गया बहुत ज़्यादा, एंड नाउ आई एम लाइक मैं क्या करूँ, सो आई थॉट लेट्स टॉक आप लोगों से। सो अभी मम्मा के हाथ का बना हुआ सब्जी रखी हुई थी वो मैंने खाई और वो खा के और रोना आ रहा था कि यार अब तो खाने को भी नहीं मिलेगा ऐसा खाना, और ये वो बच्चे बहुत ब्लेस्ड है जो यू नो कॉलेज लाइफ में भी अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रह रहे हैं, चाहे जितनी भी
आपको रेस्ट्रिक्शंस हो, चाहे जितनी भी यू नो चीज़ें हो, बट अकेले रहने से तो अच्छा ही है एटलीस्ट. क्योंकि ना आई थिंक मम्मा पापा आर द रियल फ्रेंड्स, बाकी जो दोस्त बनते भी हैं वो सब मतलब के होते हैं, या एक आध अच्छे भी बनेंगे, बट स्टिल जो कमी पेरेंट्स की है वो कोई और तो ऑब्वियसली फिल नहीं कर सकता है ना. बट पेरेंट्स एज अ फ्रेंड भी होते हैं, मेरे लिए तो है एटलीस्ट. सो आई एम मिसिंग हर बहुत ज़्यादा, आई एम मिसिंग लाइक हेल. इतना ज़्यादा मम्मा याद आ रही है, क्या बताऊँ मैं. चलो गाइस, मिलते हैं फिर बाद में, बाय.